एक दिन अपने ग्वाल बालों के साथ भगवान वन में गए थे, खेल रहे थे। तो भगवान ने कहा ग्वाल बालों को कि भैयाओ, खेलते तो हम रोज ही हैं, कभी कभी थोड़ा पुण्य भी कमा लेना चाहिए। तो सखा मंडली ने पूछा कि क्या करना चाहिए पुण्य कमाने के लिए। भगवान ने कहा सुना है कि यज्ञ करने से पुण्य मिलता है, तो चलो आज सब लोग मिलके यज्ञ करते हैं। ग्वाल बाल बोले यज्ञ तो करेंगे, पर यज्ञ के लिए तो पंडित जी चाहिए और हम में तो सारे गोबर गणेश भरे हुए हैं, तो पंडित के मंत्र कौन पढ़ेगा। कन्हैया बोले हम हैं ना सबके गुरु, हम सब पे सब पंडितों के भी पंडित हैं, हमसे बड़ा पंडित और कौन होगा, हम मंत्र पढ़ेंगे। बोले आवे हैं तो को मंत्र पढ़ने। ठाकुर जी बोले कहा मंत्र पढ़ने में, कछु भी बोल देंगे, बस लास्ट में एक चीज बोलनी है स्वाहा, तो सोई यज्ञ पूरो। बाल बाल बोले तो ठीक है, पर भैया एक बात बताओ, यज्ञ के पंडित जी तो मिल गए पर सामग्री चाहिए, सामग्री कहाँ से लाएं। भगवान बोले जितने भी वन में सूखे पत्ते पड़े ना सबको भर लाओ, हम वही को सामग्री समझ के यज्ञ करेंगे आज। तो भगवान ने सबको बिठा लियो, नकली हवन कुंड बनाई और भगवान कछु ऐसे ही मंत्र वंत्र पढ़े और अंत में बोले स्वाहा। तो सब थोड़ी थोड़ी लेके सामग्री डाल देते हैं यज्ञ कुंड में। तो एक ग्वाला बोलो लाला हमने सुनी है कि यज्ञ करवे के बाद ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना चाहिए। तो लाला बोले हाँ बिल्कुल करवाना चाहिए, जाओ पूरे जाके ब्रज में न्योतो दे दो, सबको हल्ला मचा दो कि नंद महल में कल सबको चूल्हे नोत है, ब्राह्मणों को चूल्हे नोत समझते हैं, हाँ मतलब घर में चूल्हा भी नहीं जलाना, जैसे आजकल आप लोगों का चूल्हा नोत चला हुआ है ना, सब आते हैं भोजन बना बनाया मिल जाता, मैया तो बड़ी खुश होंगी छुट्टी मिल गई, पर अच्छा है 7 दिन कथा में ही ध्यान रहे, नहीं तो फिर लगा रहेगा अब घर जाना भोजन बनाना है। तो चूल्हे नोत सबको न्यो तो है ब्राह्मण को, सब पहुंच गई हूँ। तो ब्राह्मण बड़े राजी हुए क्योंकि सबन को पतो ही कि नंद महल में जब भी भंडारो हो तो चकाचक माल खावे को मिले और माल के संग संग दक्षिणा भी खूब मोटी मिले। तो ब्राह्मणन ने सोची कि कल भोजन करनो तो आज ते ही व्रत शुरू कर दो, आज ते ही भोजन बंद ताकि पेट में थोड़ी जगह हो तो कल आहार ढंग से कर ले। तो दूसरे दिन सुबह हुई, सारे ब्राह्मण इकट्ठे हुए और सब बामन मिलके पहुंच गए मैया के आंगन में। मैया को दरवाजो खटखटायो, अरे नंद रानी देखो द्वार पर तुम्हारे विप्र देवता पधारे हैं, स्वागत के लिए तो बाहर आओ। अब नंद रानी बाहर आई, नंद रानी ने दरवाजो खोलो तो देखी कि 1, 2, 10 नहीं सैकड़ों ब्राह्मण खड़े। नंद रानी ने सबसे पहले तो प्रणाम करी, विप्र देवताओं सबन को प्रणाम, फिर बोली कहो कैसे आए हो। जैसे पूछी कहो कैसे आयो तो 2-3 तो यही सुन के लुढ़क गए, मैया कैसे आए हो, हम कल ते भूखे पेट पड़े हैं कि कल मैया के घर ही जाके खाएंगे और मैया पूछ रही है कैसे आयो। ले मैया हम ते मत पूछे कैसे आयो, अपने छोरा ते पूछ, तेरे छोरा ने हमको न्यो तो दियो कल ब्रज में कि कल नंद महल में भंडारो है। मैया बोली अच्छो, कन्हैया ने नो तो दियो। बोले हाँ। मैया बोली अभी रुको अभी बुलाऊं। मैया ने तुरंत कन्हैया को हेला दे के आवाज लगाई, लाला बाहर आए, देखी लाला ने इतने सारे ब्राह्मण खड़े हैं, हाथ जोड़ के ठाड़े है गए। यशोदा मैया बोली क्यों रे कन्हैया, तेने कही कि नंद महल में भंडारो है। बोले हाँ कही। बोले क्यों कही। बोले हमने यज्ञ करो, तो यज्ञ करो तो फिर हमको तो बता दे। तो बोले ना ना मैया, देख सीधी सी बात है, यज्ञ हो नकली, यज्ञ के पंडित जी नकली, यज्ञ करने वाले नकली,
यज्ञ की सामग्री नकली तो यज्ञ को भंडारो भी नकली। ब्राह्मण देवताओं, यहाँ सब चीजें संकल्प से होती हैं। सोचो कि तुमने दो दो रसगुल्ला खाए, मानसिक भोजन किया, और सोचो कि दक्षिणा में मिल गए तुमको दो दो सोने के सिक्का, और प्रणाम करते हुए अपने घर पधारो। ब्राह्मण देवता बोले, मैया ये भारी अपराध कियो है तेरे लाला ने। अब मैया घबरा गई, मैया सोची कि बामन हमारे लाला को कुछ संकल्प करके कछु श्राप श्राप ना दे जाए। तो यशोदा मैया ने सब ब्राह्मणों को हाथ जोड़ के कही कि महाराज थोड़ा समय दो, मैं आप सबन को भोजन कराऊंगी। और कह के यशोदा मैया ने पूरे अपने घर के रसोईया दास दासियों को लगा दिया भोजन के लिए, और सब भोजन करने बैठ गए। और यशोदा मैया ने सबको दक्षिणा भी समर्पित की और दक्षिणा दे के सबको विदा किया।